मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू, और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी, लेकिन फैक्ट इज कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि पीपल कांट हेल्प बट ट्रस्ट हिम एंड हिज गवर्नमेंट, एंड दैट इज जनाब व्हाई जो है ग्लोबल लीडर्स आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फॉर मोदी जी। खबर यह है कि आजाद कश्मीर हुकूमत का तमाम तालीमी इदारों में तालिबात और उस्तानियों को हिजाब पहनने का हुक्म। माफ करिए, मैं समझता हूँ वी आर हेडेड फॉर डिजास्टर विद दिस कॉम्पिटेंस। ये जो कॉम्पिटेंस आप देख रहे हैं, उनके लिए हिजाब मैंडेटरी क्या गया? तो वही चीज पीओके में इस तरह से औरतों को क्यों दबाया जा रहा है? पॉइंट क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है? और पीओके साइड है, वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को। पाकिस्तान मजीद मुश्किलात का शिकार, रॉयटर्स से दावा कर दिया। आईएमएफ ने माली साल खत्म होने से कबल पाकिस्तान से 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट जमा करवाने की यकीन दहानी भी मांग ली है। लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से। मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे, बट जैसे जैसे देखिए, एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम, जब से नई गवर्नमेंट आई है मतलब 2014 ऑनवर्ड्स। क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया का तो हमने सुना, और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई कि हमारे कश्मीर में आज तक हम उनको नहीं लेके आ सके, लेकिन इंडियन कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब हो या आपके जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में, वो इस लेवल पे लेके आ गए कि वो कश्मीर तक अरब दुनिया को लेके आ गए, और इस बात पे उनको वो मजबूर हुए। मैं ये नहीं कहूँ कि उनको मजबूर किया गया, वो इस बात पे वो अट्रैक्ट किया गया कि भाई वो आके और वहां पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू, और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी, लेकिन फैक्ट इज कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि पीपल कांट हेल्प बट ट्रस्ट हिम एंड हिज गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई जो है ग्लोबल लीडर्स आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट फॉर मोदी जी। आपको पता होगा इटालियन पीएम जब अभी आई थी उसने क्या बोला कि मोदी जी जो मतलब शी ओपनली सेड दैट यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उनको उन्होंने ओपन इसमें बोला पब्लिक में कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। और आपको पता होगा मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे यूएस की जो है उसमें मोदी जी हैज गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78% एज द ग्लोबल द मोस्ट अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर, द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो जब ये है, तो जब तक ये है जाहिर सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल कीप पोरिंग इनटू इंडिया, एंड कश्मीर इज डेफिनेटली अ वेरी गुड स्पॉट फॉर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ऑल काइंड, इंक्लूडिंग रियल इस्टेट, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट स्टोर्स, एंड यू नो मोस्ट ऐसी चीजें जिससे एनवायरमेंट खराब नहीं होता, एनवायरमेंट की खराबी ना हो, बिकॉज कश्मीर इज अबाउट नेचुरल ब्यूटी। बिल्कुल तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट मोर, G20 के बाद तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट मोर। अभी अभी तो आपने सिर्फ सऊदी और यूएई की बात की, बट वी आर लुकिंग एट मोर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। मैं इतना समझती हूँ कि देखिए, आपको बुरा लगेगा, आप मेरे दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहाँ से शेलिंग करेंगे, वो कहाँ से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहाँ से। मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे, बट जैसे जैसे देखिए, एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम, जब से नई गवर्नमेंट आई है मतलब 2014 ऑनवर्ड्स, एंड उसके अलावा पाकिस्तान भी डाउनफॉल में है, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ सम सॉर्ट्स, आपको तो पता ही होगा। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जहां पे आपको पता होगा कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उनको आपके पावर डिपार्टमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ 85 मिलियन डॉलर्स या रुपीज कुछ उनका उनके ऊपर कर्जा है, उन्होंने चुकाया नहीं। आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे बर्बादी पूरे देश में है आपके, लेकिन आपको पता होगा कि जो पीओके साइड है वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को, जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अवाम रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन, और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है, उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की तरफ भी जा रहा है इस हद तक कि आप सोचिए पीएम, एक्स पीएम को तोशे खाने के जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं। मतलब व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में। पाकिस्तान के साइड का जो कश्मीर, जिसको हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वहां पर कल एक सर्कुलर जारी हुआ कि जी वहां पे फीमेल जितनी भी है स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की या उनके टीचिंग स्टाफ जो है उनके लिए हिजाब मैंडेटरी किया गया। इस पर थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा फिर रुवांडा पर।
मुझे अजीब सी बात लगती है क्योंकि हिजाब जो चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी है ही नहीं इस्लाम में। जिस कंट्री में इस्लाम का आगाज हुआ था सऊदी अरेबिया ने हिजाब बैन कर दिया एग्जामिनेशन हॉल्स में, तो ये कौन होते हैं, ये कौन से बड़े इतने खुद को कौन से ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, मुझे नहीं समझ आता ये कौन सा इस्लाम। ये इन्होंने अपना खुद का रिलीजन शुरू कर रखा है जो औरतों को फोर्स कर रहे हैं। और दूसरी बात, मतलब जैसे एज इफ पीओके के लोगों को ऑलरेडी क्या इनफ सप्रेस नहीं किया गया था कि अब ये भी हो रहा है, वो तो यही सोचेंगे ना पाकिस्तान में देखो क्या हालात है, तो वही चीज पीओके में इस तरह से औरतों को क्यों दबाया जा रहा है, पॉइंट क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा आप देखिए औरत मार्च जो हर साल होता है 8 मार्च को, बिल्कुल 2018 से हर साल होता है ना, वो औरत मार्च को रोक दिया, लेकिन उसके बाद जो हर साल होता था जो रिलीजियस क्लेरिक्स जो हया मार्च ऑर्गेनाइज करवाते थे ये दिखाने के लिए कि जो औरतें सप्रेस रहती हैं, जो औरतें एजुकेट नहीं होती या हमेशा बुर्के के अंदर कैद होती हैं, इन औरतों को कितना सराया जाता है उनके इस्लामिक वर्जन में, असली इस्लाम में नहीं, जो इस्लाम इन्होंने बनाया है उस इस्लाम में इनकी कितनी वैल्यू है, ये दिखाने के लिए जो हया मार्च होती है वो अलाउ किया इस साल, लेकिन औरत मार्च को अलाउ नहीं किया जो एजुकेशनल राइट्स की बात करती है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती है।